स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखो, इसमें जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल है डिग्री फोर का, एंड डिग्री फोर का पॉलिनोमियल होने का मतलब ये है कि जो फंक्शन जिसमें उसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, मीन्स जो उसका डेरिवेटिव होगा वो डिग्री थ्री का होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब तो आप समझते हो ना कि क्रिटिकल पॉइंट हमें कहाँ से मिलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव से। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर एफ डैश एक्स ज़ीरो हो जाता है। तो क्योंकि फंक्शन की जो डिग्री है वो फोर है, इसकी जो डिग्री है फंक्शन की वो फोर है। डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू फोर, देयर फोर डिग्री ऑफ एफ डैश एक्स, इसके डेरिवेटिव की डिग्री थ्री होगी। तो एफ डैश एक्स को मैं कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, देयर फोर एफ डैश एक्स, ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है ए टाइम्स, क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना वो क्या क्या हैं? -1, 0, 1। तो ये एक्स माइनस -1, एक्स -0 एंड x+x-1 टाइप का एक फंक्शन होगा। तो ये बन जाएगा ax x-1 एंड x+1, पूरा मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया आगे पीछे करके। तो ये ax x²-1 विच इज़ ax³-ax, कुछ ऐसा बन सकता है। अब देखते हैं कि क्या हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत है भी या नहीं है एफ डैश एक्स को पूरा इस तरह से, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा है ना उसके हिसाब से करेंगे प्रोसीड इसके आगे। चलो इतना मैंने आपको बता दिया कि ये बन गया है। नाउ द क्वेश्चन सेज इफ टी वेयर टी इज इक्वल टू इट इट इज़ डिफाइंड लाइक दिस, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू F₀। मीन्स टी एक सेट है जिसकी डेफिनेशन दी हुई है एफ एक्स इक्वल टू F₀, और जहाँ पर एक्स के है रियल नंबर्स हैं। तो टी में जितने भी एलिमेंट्स आए कि उनका सम ऑफ स्क्वायर्स आपसे पूछा है, तो टी को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एफ एक्स को 0 करूँगा पुट। एफ एक्स की वैल्यू में 0 नहीं, F₀ के बराबर रखेंगे। तो उसके लिए पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा ना। एफ एक्स क्या चीज़ है? जो एफ एक्स है वो एक्चुअल में आप समझ सकते हैं इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। तो क्या है ये, एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी ना। जो एफ एक्स होगा इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, है ना। तो एफ डैश एक्स है हमारे पास ax³-ax इस पूरे की इंटीग्रेशन। तो ये सिंपल सी इंटीग्रेशन आ जाएगी ax⁴/4 - ax²/2। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगना चाहिए क्योंकि हमारे पास लिमिट्स अवेलेबल नहीं है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, नाउ यू नीड टू फाइंड F₀, देयरफॉर F₀ इज इक्वल टू मीन्स ये सी आ जाएगा, इट इज़ सी। ओके, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या बोला गया है कि हमने एफ एक्स को पुट कर देना है F₀ के बराबर, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू F₀। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स की वैल्यू तो मैंने अभी जस्ट निकाली हुई है, ये पूरा एफ एक्स है और F₀ मैंने सी निकाला हुआ है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं ना, इनको इक्वेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे बन जाएगा क्वेश्चन का जो उन्होंने पूछा है। देखते हैं क्या बनता है, ax²/2 + c=F₀, भी सी है तो ये सी तो आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो गए, और यहाँ से ए भी ख़त्म हो गया है ना। यहाँ से मेरे पास जो ए है ये भी कॉमन आके x²/2 भी कॉमन आ जाएगा, एंड x²/2 यहाँ पे बच रहा है एंड -1 बच रहा है = 0। यही हुआ ना x⁴/4। यस, सो यू कैन से कि जो एक्स की वैल्यूज आई, एक वैल्यू तो एक्स की 0 आ गई और x², बाकी दो वैल्यूज एक्स की +/√2 आ रही हैं, ये वैल्यूज आई एक्स। तो टी में फिर क्या क्या बना,
टी था इन सारी वैल्यूज का सेट था, तो टी में एक जीरो आ गया, एक माइनस रूट टू और एक प्लस रूट टू। अब इन सब की वैल्यूज का सम ऑफ स्क्वायर पूछा है, तो सम ऑफ स्क्वायर कर दो, सम ऑफ स्क्वायर्स ये पूछा ना क्वेश्चन में, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, प्लस टू तो ये आई थिंक फोर आ रहा है इसका सम ऑफ स्क्वायर्स। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, हम कहाँ पहुँच गए इसको करते करते। रुको 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 रुको, ये क्लियर निकाला ना मैंने, हाँ 2 + 2 फोर, तो फोर हाँ ऑप्शन डी है इसमें, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है।